इंसानी बुरी प्रवृत्ति को दूर रखता है। यह रत्न जातक के कुंडली में ऐसे बहुत सारी अशुभ ग्रह स्थिति होती है जो उसे काफी कमजोर बना देती है। कुंडली में ग्रह दोष इंसान को बुरे रास्ते पर भी ले जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि जातक के मन में इच्छा ना होते हुए भी वह बुरे काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको ऐसे रत्न धारण करने होंगे जो इस ग्रह दोष को नष्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन से रत्न होते हैं जो ग्रह दोष को कम करने का काम करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको जिंदगी में कौन सी चीजें अपनानी चाहिए इसकी सटीक जानकारी हम आपको देते हैं, और ऐसे ही जानकारी आपसे मिस ना हो जाए इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिए, और यह बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में हम चार ऐसे रत्न के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान की बुरी प्रवृत्ति को खत्म कर देता है। यह रत्न किस तरह से काम करते हैं? कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब या फिर दूषित हो तो इंसान को बुरी प्रवृत्ति का सामना करना पड़ सकता है और इंसान के अंदर बुरी प्रवृत्ति का निर्माण होने लगता है। अगर इस समस्या का योग्य समय पर इलाज नहीं किया तो यह बुरी आदतें दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। इस ग्रह दोष से इंसान बुरे कर्म करने लगता है। इसके लिए समय रहते ही इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो यह बुरी आदतें जीवन भर इंसान का साथ नहीं छोड़ती। यह ग्रह दोष समाप्त करने के लिए आगे कुछ रत्न बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान अपनी बुरी आदतें छोड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मैलेकाइट के बारे में। यह रत्न हमें बुरे नशे से मुक्त करता है। मैलेकाइट यह रत्न आफू, गांजा, तंबाकू, सिगरेट्स, दारू जैसे चीजों से हमें मुक्ति देता है। अगर किसी जातक को इनमें से कोई आदत है तो मैलेकाइट यह रत्न इन बुरी आदतें छोड़ने में हमें मदद करता है। यह रत्न हरे कलर का होता है और इसमें धागे जैसे रेशे होते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो नशे से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। मैलेकाइट यह रत्न चांदी के धातु में जड़वाकर इसे बुधवार के दिन सुबह में परिधान करना शुभ माना जाता है। अगला रत्न है सुनहला। यह रत्न गुस्सा और चिड़चिड़ेपन को कम कर देता है। सुनहला यह रत्न दूषित ग्रहों के प्रभाव से हमें मुक्त करता है। यह रत्न गुस्सा और चिड़चिड़ेपन से हमें दूर करता है। अगर आपके कुंडली में गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव है तो यह वाणी और क्रोध को दूर रखता है। गुरु ग्रह को बलवान बनाने के लिए सुनहला रत्न काफी प्रभावशाली होता है। यह रत्न पीले रंग का पारदर्शक रत्न होता है। यह रत्न हमें क्रोध और चिड़चिड़ेपन से मुक्त करता है। यह रत्न गुरुवार के दिन सोने या पीतल के धातु में जड़वाकर हाथ के तर्जनी उंगली में पहनना लाभकारी होता है। अगला रत्न है गार्नेट। यह रत्न जातक को आलसी और सुस्त बनने से रोकता है। अगर जातक के जन्म कुंडली में मंगल या सूर्य ग्रह कमजोर है तो वह जातक क्षीण और कमजोर हो जाता है और इसके प्रभाव से इंसान सुस्त और आलसी बन जाता है। अगर इसे बलवान बनाना चाहते हो तो इसके लिए गार्नेट बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यह रत्न जातक को आलसी और सुस्त होने से बचाता है। यह रत्न उन लोगों के लिए है जो मानसिक दृष्टि से कमजोर हो गए हैं। यह रत्न उनमें नया कॉन्फिडेंस भर देता है और उन्हें एक्टिव बना देता है। यह रत्न सोने या फिर तांबे के धातु में जड़वाकर हाथ के अनामिका उंगली में परिधान करना चाहिए। अगला रत्न है सोडालाइट। यह रत्न हमें बुरे संगत से बचाता है। जातक को बुरे संगत लगने का मुख्य कारण होता है उसका ग्रह दोष, लेकिन कुंडली में चंद्र व शनि खराब और कमजोर होते हैं तो ऐसे जातक को हमेशा कुसंगत में फंसा हुए दिखाई देते हैं। इसके वजह से जातक को कोर्ट कचेरी का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे जातक हमेशा नए नए विवादों से घिरे रहते हैं, इसलिए इन्हें समाज में कोई स्थान नहीं मिलता। अगर आपको भी बुरी संगत है और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आपके लिए सोडालाइट यह रत्न काफी लाभदायक है। इस रत्न की मदद से आप बुरे संगत से छुटकारा पा सकते हो और बुरे प्रभाव से भी छुटकारा पा सकते हो, लेकिन उस जातक की इस रत्न पर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यह रत्न काम नहीं करेगा। अगर आपको ऐसे ही रत्न, ग्रह दोष, वास्तु शास्त्र और फेंग शुई रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पर ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।